आज मैं फिर से आपके सामने तबले से जुड़ी हुई एक और वीडियो लेकर हाजिर हो चुका हूं। तो आज मैं बात करने वाला हूं, तो टाइटल में आपने पढ़ लिया होगा कि एक उंगली से मदीन के ऊपर एक उंगली से बजने वाले कहरवा के बहुत सुंदर वेरिएशन। क्योंकि बहुत सारे दोस्तों ने कहा कि सर आपने जो पीछे वेरिएशन बताए, जिसमें एक वेरिएशन ऐसा था जिसमें हम एक उंगली से ही मदीन के ऊपर बोलों को बजा रहे हैं और बहुत ही सुंदर वो हमें वेरिएशन लगा, उसके बारे में डिटेल में हमें बताया जाए। तो चलिए आज मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं तीन ऐसे वेरिएशन जो बहुत ही सुंदर है और अगर आप इसको तबले पर बजाएंगे तो सुनने वाले को भी बहुत अच्छा लगेगा और आपका मन भी बहुत खुश हो जाएगा इसको बजाकर। तो चलिए शुरू करते हैं। जो मैं पहले वेरिएशन बजा रहा था वो मैं एक उंगली से बजा रहा था, देखिए इसमें एक ही उंगली चली है, ती ता ती ता ती ता ती ता ती ता ती ता ती ता। बाकी जो उंगलियां हैं अपनी जगह ऐसे ही हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि जो बीच वाली उंगली है वो ऊपर रहेगी और जो साइड वाली फिंगर है, थर्ड फिंगर है, वो स्याही के साथ रहेगी और आपकी जो फर्स्ट फिंगर है वो चल रही है उंगली, आप देख सकते हैं ती ता ती ता ती ता ती ता। अब ती कैसे बज रहा है, ये आपका जो मैदान है इसके ऊपर आप एक तिन बजाते हैं, खुला तिन बजाते हैं, पर इसको आपने दबाना है यहां पर, तो ये बन जाएगा ती। और अगर आप इसके साथ सेकंड फिंगर भी जोड़ लेंगे, स्याही के साथ इसको लगा लेंगे तो और ये भर के आपको दिखाई देगा, देखिए कैसी है? ती ता ती ता ती ता ती ता ती ता ती ता। तो ये आपने बजाना है। अब वेरिएशन कौन सा है तो देखिए, देखिए बोल है धी धा धी ता ती धा धी धा धी धा धी ता ती धा धी धा। तो इस वेरिएशन के बारे में मैं दो तीन वीडियोस में पहले बता चुका हूं, पर डिटेल में आज आपको बता रहा हूं। तो देखिए इसमें जो आपका ती और धी है जहां पर भी लगेगा वो दबाकर होगा, किसके ऊपर? मैदान के ऊपर। और अगर आप बीच वाली उंगली उठाना चाहते हैं तो उठा भी सकते हैं और अगर रख लेंगे स्याही पर तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये फिर दबाकर बजाएंगे स्याही पर रख के अगर सेकंड फिंगर को तो और अच्छा लगेगा। तो इसमें आपकी फर्स्ट फिंगर चल रही है, तो देखिए धी धा धी धा धी धा धी धा। बजाइए इसे धी धा धी ता धी धा धी धा धी धा धी ता धी धा धी धा धी धा धी ता धी धा धी धा। तो बस इसके ये बोल हैं, पहले आप डिस्क्रिप्शन में से जाकर इसके बोल लिख लीजिए और बाद में इसका आप रियाज शुरू कर दीजिए और बड़ी ही आसानी से फिर आप इसको बजा लेंगे। तो चलिए अब अगले वेरिएशन की तरफ चलते हैं। अगला जो वेरिएशन है उसमें भी एक ही फिंगर, क्योंकि मैंने एक ही फिंगर की बात की है मदीन के ऊपर। तो चलिए अगला यही वेरिएशन जहां पर आप दबाकर ती लगा रहे हैं वहां पर आपने क्या करना है, तिन लगा देना है। बस तिन जहां पर धी आ रहा है या ती आ रहा है वहां पर आपने धिन और तीन लगा देना है, तिन यानी कि आपका तिन ही बजेगा यहां पर, उधर गे को मिलाकर धिन बन जाएगा। तो देखिए आप बजाना क्या है, तो देखिए धिंधा 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 धिंधा, सॉरी धा पर यहां पर धिंधा 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 धिंधा। तो ये डिस्क्रिप्शन में से आप बोल लिख लीजिए और फिर इसको आगे बजाइए। तो देखिए इसमें आपने बस एक बात ध्यान में रखनी है, जो आपका तिन बोल है वो अच्छे ढंग से निकलना चाहिए, तभी आपको अंतर समझ आएगा और बहुत ही सुंदर ये बजेगा। बस इधर गे आपका जहां पर आपका धिन बनेगा वहां तिन के साथ बन जाएगा और जहां पर ना और गे मिल जाएगा वहां पर धा बन जाएगा। तो देखिए अब कैसे इसको बजाना है, धिन धा धिन धा धिन धा धिन धा।
आपने इसको बजाना है। तो चलिए अब अगले वेरिएशन की तरफ चलते हैं। अगला जो वेरिएशन है इसके बारे में बहुत सारे दोस्तों के मैसेज आए और बहुत सारे जो ऑफलाइन क्लासेस में सीखते हैं स्टूडेंट सीखते हैं, उन्होंने कहा कि सर ये जो आप बीच में बोल लगाते हैं ये बहुत ही सुंदर लगता है, इसके बारे में हमें बताया जाए। तो चलिए मैं अब किस बोल के बारे में बात कर रहा हूँ उसकी बात करते हैं। तो चलिए मैं पहले बजाकर आपको दिखा देता हूँ। देखिए कितना सुंदर ये बोल लग रहा था बीच में, देखिए तो ये बोल है। तो देख लीजिए अब ये वेरिएशन जो बोल है थी था 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 थी था थी था थी था 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 थी था थी था थी था था थी था थी था। वेरिएशन बता रहा हूं फिर मैं बोल रहा हूं, ये एक उंगली इसमें मदीन के ऊपर चल रही है, बाकी उंगलियां एक ही जगह स्टे है, बस बहुत ही कम यूज हो रही है। अगर हमें इसको बोल यूज करने के लिए आपको कह रहा हूं तो बस ओनली ये यहां पर टच हो रही है, यानी कि आपकी फर्स्ट फिंगर ही इसमें चल रही है, तभी ये जो वेरिएशन है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और बहुत ही ज्यादा सुंदर है। क्योंकि वैसे तो सभी वेरिएशन बहुत सुंदर है पर इसमें एक उंगली का जो प्रयोग है बहुत ही सुंदरता से किया जाता है। तो चलिए अब इसको समझते हैं। तो देखिए धी धी धा ता 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 धी धा ता ता ता, तो ये बजाना है। पहले आपने स्लो स्पीड में इसका रियाज करें, धी धा ता 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 धी धा ता 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 धी धा ता ता ता। वैसे लगाया जाता है पर आपने धी धाता ता ता ये लगाना है क्योंकि ये थोड़ा इजी है, और अगर आप बीच में कुछ और बोल भी एडिट करेंगे जैसे एक दो बोल एडिट करेंगे तो आपको थोड़ा मुश्किल लगेगा, तो इसलिए मैंने आपको आसान बताया धी धाता ता ता धी धाता ता ता धी धा धी धा धी धाता ता ता धी धा धी धा। तो चलिए इसको अब थोड़ा स्पीड में बजाते हैं। तो देखिए सारे वेरिएशन कितने सुंदर लगते हैं, तो देखिए स्पीड में थोड़ा सा बजाते हैं। ये धी ताता ताता धिन ताता ताता ये आप उसमें भी लगा सकते हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और जो बेल आइकॉन का बटन है उसे जरूर दबा ले ताकि आने वाली जितनी वीडियोस है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप बड़ी ही आसानी से तबला सीख सके। और अगर आपके मन में भी कोई सवाल है प्रश्न है तो कमेंट जरूर करें, मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में बताने का। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।